दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल चैनल। आज आप जानेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक डिस्प्यूट के बारे में। कर्नाटक अधिकृता महाराष्ट्र के केंद्र शासन प्रदेश घोषित किया जाएंगे, उद्धव ठाकरे। मुंबई राज ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के केंद्र सरकार से मांग की है कि जब तक महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद सुलझे न जाए, तब तक कर्नाटक अधिकृता महाराष्ट्र यानी कर्नाटक के वाले मराठी भाषी क्षेत्रों में केंद्र शासनीय प्रदेश घोषित किए जाएं। उद्धव ठाकरे ने यह मांग सोमवार में विभिन्न परिषद के उठवाई। महाविकास घड़ी के सत्ता जाने वाले 6 माह के बाद में सोमवार को पहली बार महाराष्ट्र विधानक परिषद में प्रतिशत में बेंच पर बैठे दिए गए हैं। इस साल 19 जून को मुख्यमंत्री पद में त्याग पत्र देते समय उन्होंने विवाद परिषद की सदस्यता को छोड़ने की घोषणा कर दी थी। बाद में रमपा का अध्यक्ष शरद पवार के सलाह पर उन्होंने विवाद परिषद की सत्ताकृता छोड़ने का निर्णय बदल दिया है। आज उच्च सदन में सदस्यता के इस्तेमाल उन्होंने कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद को उठाने के लिए किया। आज तक उद्धव ठाकरे उच्च संसद में भाषण दे रहे थे। उस समय शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत शीर्षक दीर्घ क्यों मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद सिर्फ सीमा और भाषा का विवाद नहीं है, यह मानवता से जुड़ा मामला है। दोनों राज्य की सीमा के गांव मराठी भाषी लोग इस पीढ़ियां से रहते आ रहे हैं। उनका दैनिक जीवन भाषा एवं जीवन शैली मराठी है, इसीलिए जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक यह केंद्रित सरकार विवादित क्षेत्र में केंद्र सरकारी क्षेत्र घोषित करे। उन्होंने केंद्र सरकार की भूमि पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि हम केंद्र के अभिभावक भी भूमिका निभाने की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या केंद्र की यह भूमिका निभाएगी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सवाल किया है कि जब बेलवाड़ी सीमा के स्थिर कर्नाटक का एक जिला महानगर पालिका के महाराष्ट्र में शामिल होने का प्रस्ताव पास किया था, तो कर्नाटक सरकार ने उस पर कार्रवाई की थी। जब महाराष्ट्र की कुछ ग्राम पंचों ने ऐसे ही प्रस्ताव कर्नाटक की सीमा होने के लिए किया, तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐसा साहस जुटाया। इसी मुद्दे पर विधानसभा के मुख्यमंत्री रविंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार कर्नाटक में रह रहे मराठी भाषी लोगों के हित के लिए सब कुछ करेगी, एक एक चीजें भूमि के लिए लगेंगी। पिछले गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासव राजा बोईमी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाया कि कर्नाटक अपनी एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। यह मामला 2004 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।